क्या हाल चाल है फिटनेस जर्नी फैमिली। लुक एट दिस माय स्माइल गाइस, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, कैसे इंट्रोड्यू, लेकिन मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। इस एक्साइटमेंट का राज ये है कि हमारा सिल्वर प्ले बटन फाइनली आ चुका है एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता तो हमारा चैनल इतना जल्दी ग्रो नहीं करता, हमारा सिल्वर प्ले बटन इतनी जल्दी तो कभी भी नहीं आ पाता। तो ये जो बटन है गाइस, प्ले बटन, ये मेरा नहीं है, हम सबका है, हमारे फिटनेस जर्नी फैमिली का है। तो ये हम लोग सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ा वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, अनबॉक्सिंग करने वाले मेरे सिल्वर प्ले बटन को, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। लुक एट दिस, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। इसको हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं। पहले तो मैंने पहले से अनबॉक्स कर लिया, कहीं सच में भेजा है कि नहीं। तो भेजा है गाइस, सच वाला सिल्वर पे बटन आ चुका है। तो मैं इसको अनबॉक्स करने वाली हूँ आज इस वीडियो में, एंड उसके साथ साथ कुछ अमेजिंग क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं उसके आंसर्स देने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत मजेदार है, वीडियो को सभी लोग को शेयर कर दो, हमारी जितनी बड़ी फिटनेस जर्नी फैमिली है सबको फैला दो और बड़ा करो इस फैमिली को, कि जल्दी से सिल्वर चेंज होकर गोल्डन प्ले बटन भी जल्दी आ जाए। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। देखा हजारों दफा आपको, फिर भी करारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? सॉरी गाइस, मैं बहुत गंदी सी कर रहा हूँ, आप लोग को बहुत ज्यादा इरिटेट किया हम, लेकिन अब हम लोग अनबॉक्स करते हैं इसको, ठीक है? तो इस खुलता है कुछ इस तरह से, टाना ना 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 ना, ये है ब्लैकआउट। यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिखेगा जिसको आपको हटाना है लाइक दिस। फिर आएगा रिकॉग्नाइज योर टीम, ये आएगा ललचाने के लिए कि इसके बाद देखो आपको मिलेगा गोल्ड और डायमंड का फोटो, तीनों दे दिया है कि ये मिलने के बाद आप रुकिए नहीं, लगे रहिए। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्ग्रेचुलेशन करके छोटा सा कार्ड है जिससे आपको लगेगा हाँ आपने कुछ किया है। फिर आपको मिलता है, रुको रुको इसको मुड़ा देते हैं, नहीं तो आपको प्ले बटन दिख जाएगा। उसके बाद आपको मिलता है ये, इसमें आपका भर भर के तारीफ किया गया है कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपने एक मिल्की वे में जाके एक स्टार को जाके पकड़ा है एंड आपने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप सभी को, हमारी सभी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमने सिल्वर प्ले बटन ले आया है अपने घर। तो अब आती है हमारी बारी जो कि है सिल्वर प्ले बटन इज हियर, लुक एट दिस। अब इसको निकालती हूँ मैं, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, वल्ला वल्ला इनकार तेरा। प्रेजेंटेड टू फिटनेस जर्नी फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब। देखो यार फाइनली ये आ चुका है, ये सपना मेरा पूरा हुआ, हमारा सपना। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है जिसमें मेरे को मेरा फेस भी दिख रहा है, मेकअप थोड़ा ओवर है, बात तो सही है। लेकिन कोई बात नहीं। फाइनली गाइस सिल्वर प्ले बटन इज हियर। इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत, इतनी हार्डवर्क एंड इतना ज़्यादा सपोर्ट एंड प्यार के बाद हमें ये मिल चुका है। इसके बाद अब मैं कह सकती हूँ कि आई एम फाइनली अ रिकॉग्नाइज यूट्यूबर। तो मैं क्या हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ और ये हमारा फिटनेस जर्नी फैमिली का अवार्ड है। तो ये अवार्ड लेते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं बस यही कहना चाहूंगी, किसी चीज को पूरे दिल से चाहो, क्या बोला तूने, शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। तो आप लोग हम मेरी कायनात है और ये हमारा सिल्वर प्ले बटन है। तो शुक्रिया, आई होप आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आया हो। कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट करके जरूर बताना। आई एम सो 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 हैप्पी गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा वाला थैंक यू। अब हम लोग इसको एकदम सेफली रख देते हैं क्योंकि हमारा स्टूडियो अभी बना नहीं है। ये स्टूडियो बनेगा तब अच्छे से फ्लॉन्ट करेंगे, एकदम अच्छे से रखना है कि कुछ हो ना इसको, और फिर हम लोग इसको तब फ्लॉन्ट करेंगे जब हमारे स्टूडियो बन जाएगा। अब हम लोग अपने कुछ क्वेश्चंस है जिसका मैं आंसर्स देने वाली हूँ, तो इसको रख देते हैं, बाय बोल दो सबको, बाय।
बाय। तो स्टार्ट करते हैं गाइस अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है गजानन ने, इनका क्वेश्चन है तो सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन, कैसा लग रहा है आपको ये सिल्वर प्ले बटन पाकर? तो कैसे दिख रही हूँ मैं, लुक एट माय एक्साइटमेंट, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। जो चीज़ एक टाइम में सपना हुआ करता था, जब हमने अपना चैनल खोला तो सबसे बड़ा सपना यही था कि कब आएगा हमारा सिल्वर प्ले बटन, वो फाइनली आज आ चुका है गाइस। बड़े बड़े यूट्यूबर लोग जो होते थे वो सिल्वर प्ले बटन अपना शो करते थे, अनबॉक्स करते थे, तो हमें लगता था हमें कब आएगा। तो फाइनली गाइस बहुत 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 अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया। 1.5 साल के अंदर अंदर हमने हमारा 100K कम्प्लीट कर लिया, आज 150K होने वाला है आप लोग के सपोर्ट से। तो कैसा लगेगा यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई होप हमारी फैमिली भी इतनी ही ज्यादा खुश एंड इतनी ही ज्यादा एक्साइटेड होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है द वंडर गर्ल की तरफ से, व्हाट इज योर हाइट एंड वेट? सबसे पहले तो मेरी हाइट 5'9" है, सभी लोगों को पता है 175 सेंटीमीटर। एज, लड़कियों से एज बिल्कुल नहीं पूछते हैं, मैंने अपने पहले Q&A में भी मेरा एज बता चुका है, तो उसमें बस +1 कर देना, 1 साल हो चुका है तो अब मेरी वो एज हो रही है, बस अब इतना ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं, नूतन ने पूछा है कॉन्ग्रेचुलेशंस दी, क्वेश्चन ये है व्हाट इज योर एज एंड विच क्लास डू यू रीड? फिर से एज यार, बहुत सारे लोगों ने मेरा एज पूछा है, लग रहा है कि सबको मेरी एज 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 ही जाननी है। तो बस मैं 20+ कुछ 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 हूँ। और विच क्लास डू यू रीड? तो मैं बच्ची नहीं हूँ, अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, तो आई एम डूइंग माई मास्टर्स, ग्रेजुएशन मेरा लास्ट ईयर कम्प्लीट हुआ, अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जारा ने पूछा है, कॉन्ग्रेचुलेशन सिल्वर प्ले बटन मिल गया आपको, आपको ऐसे ही बहुत कामयाबी मिले, और प्यारा वाला इमोजी। ऐसे गाइस बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा है, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, तो उन सभी को गाइस दिल से शुक्रिया, आप लोगों की ब्लेसिंग सपोर्ट ही इतने बड़े मेरे को सपोर्ट किया, जिसके वजह से आज हम लोग इतनी बड़ी फैमिली बन चुके हैं। आई होप आपकी ब्लेसिंग एंड सपोर्ट्स ऐसे ही बनते रहें, हम लोग और बहुत 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 बड़ी वाली फैमिली बन जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सानिया का, इनका क्वेश्चन है कॉन्ग्रेचुलेशन, माय क्वेश्चन इज हाउ यू गॉट एन आइडिया टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, प्लीज टेक माय क्वेश्चन हार्ट। तो आपको बड़ा वाला दिल, कैसे मिला मुझे आइडिया? तो ये आप सभी को मैंने पहले भी बता चुका है, क्योंकि जब मैं मोटी हुआ करती थी, मैंने पतले होने की बहुत सारी ट्राई की, बहुत बार अटेम्प्ट किया, छोड़ देती थी, लग नहीं पाती थी, कंटिन्यू नहीं कर पाती थी, लॉकडाउन था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, तब मैंने ये चैनल खोलने का सोचा, ताकि मैं इससे खुद कंसिस्टेंट रह सकूं। आप लोग क्रिटिसाइज करोगे तो मुझे लगेगा कि मैं लगी रहूं, ताकि मैं प्रेजेंटेबल दिखूं, और मेरे जैसी और भी कितनी सारी लड़कियां जो ट्राई कर रही है उनको मेरे वीडियोस देख के मोटिवेशन मिल सकेगा, एंड सभी लोग मेरे साथ ये फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकेंगे। तो यहीं से ये फिटनेस जर्नी का आइडिया शुरू हुआ गाइस, एंड तब से अब तक बहुत कुछ चेंज हो चुका है। मैंने अपने सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किए, अब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देती हूं, एंड अभी भी मैं अपने नॉलेज को एनहेंस कर रही हूँ और पढ़ रही हूँ, ताकि आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकूँ। तो बहुत अमेजिंग आइडिया था, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे ऐसे स्टार्ट होगा, लेकिन मैं इतनी लगी रहूँगी हमारा चैनल इतना ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कल्पना का क्वेश्चन है कॉन्ग्रेचुलेशंस दी, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन है आपके फिटनेस का सीक्रेट क्या है, आप क्या खाते हो, कितना सोते हैं, लव यू दी। तो लॉट्स ऑफ लव, इतना अच्छा क्वेश्चन है गाइस। सबसे पहले तो मेरे फिटनेस का सीक्रेट क्या है, तो मेरा फिटनेस का सीक्रेट कुछ नहीं है, बस एक सीक्रेट है गाइस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है कंसिस्टेंसी। मतलब आप लगे रहो नो मैटर व्हाट, भले आपको गोल अभी सही से नहीं दिख रहा हो, लेकिन छोटा छोटा गोल बनाओ, उसको अकम्प्लिश करते जाओ, लगे रहो नो मैटर व्हाट। ये मैंने अपने चैनल से भी सीखा है, मेरे पर्सनल ग्रोथ से भी सीखा है, एंड अभी भी जब मुझे कुछ मिलता नहीं है ना, मैं ढीठ के जैसा लगे रहती हूँ, एंड फिर मैं वो गोल अकम्प्लिश कर पाती हूँ। ये सिल्वर प्ले बटन हमारा सपना हुआ करता था, लेकिन हम लोग इस पर लगे रहे नो मैटर व्हाट, दिन हो रात हो, गर्मी हो बरसात हो, दोस्त के घर जाके वीडियो बनाना हो, अभी तक हमारा अपना स्टूडियो नहीं है, लेकिन हम लोग लगे रहे। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना, अगर आप उस पर लगे रहोगे तो यही आपका सीक्रेट होगा हर चीज़ का। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। इनका दूसरा क्वेश्चन है कि आप क्या खाते हो, क्या खाते हो, तो मैं नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप अपने फैट लॉस में भी हो, मसल गेन में भी हो, कुछ भी आपको करना है ना, आप घर का ही खाना खाओ, प्रोटीन रिच फूड खाओ, फाइबर इंक्लूड करो, कार्ब्स इंक्लूड करो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, जंक्स को कम्प्लीटली अवॉइड करो। और कितना सोते हो, तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ। जो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, मतलब मैं हूँ अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मतलब मैं 9 से 10 बजे तक सो जाऊँगी,
इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम में आप रिप्लाई नहीं देते, मैं सुबह सुबह आपको दिखता हूँ, मैं 5 बजे आपको रिप्लाई करनी होगी, क्योंकि मैं रात में 9 बजे सो जाती हूँ, सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं सबका इंस्टाग्राम में रिप्लाई दे देती हूँ, फिर अपने ऑनलाइन क्लासेस कर लेती हूँ, फिर जिम जाती हूँ, फिर मैं सेम रूटीन रहता है, डाइट वगैरह रहता है, एंड सिर्फ वीडियो बनाना होता है तो वीडियो बनाते हैं, एंड फिर शाम में आके फिर क्लासेस करते हैं, एंड फिर रात में मैं सो जाती हूँ। तो ये मेरा पूरा होल डे का रूटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि साइनी ने बोला है, सॉरी मैं अगर नाम गलत ले रही होगी तो, हाय कॉन्ग्रेचुलेशंस दी योर फिटनेस जर्नी, आई एम ऑलवेज विथ यू, यू वर्क सो हार्ड फॉर अस, थैंक यू सो मच, ऑलवेज बीन देयर फॉर अस, थैंक यू, आप लोग मेरे लिए हमेशा प्रेजेंट हो गाइस, इतना सपोर्ट एंड प्यार देने के लिए, ऐसे मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस मिले, तो सभी को दिल से शुक्रिया, एंड आप लोग की सपोर्ट ही तो मुझे चाहिए यार, और इसी के लिए मैं हमेशा तरसती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। मेघना का क्वेश्चन है, दी व्हाट डू यू स्टडी, मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो मैं मास्टर्स कर रही हूँ प्रेजेंटली, मैंने आपको हमेशा बताया, अभी भी बता देती हूँ, आई एम डूइंग माय मास्टर्स राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनिया का, दी आप अपने फिटनेस को कैसे मेंटेन रखते हो। ये बहुत नॉर्मल है, माइंडसेट का गेम है गाइस, कुछ भी आप कर रहे हो ना, आपका अगर माइंड स्ट्रांग है ना, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड बिफोर योर बॉडी, बॉडी आपकी कुछ भी कर सकती है, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। तो अगर आपका माइंड स्ट्रांग है ना, तो अपना माइंडसेट को स्ट्रांग कर लो, ये जो फिटनेस है, ये लाइफस्टाइल है, इसको एज अ लाइफस्टाइल लोगे ना, एज अ बर्डन नहीं लोगे ना, तो आपको ये मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, ये मेंटेन होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, टेक मी पता नहीं क्या नाम है, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही होगी, आपको आपका वेट लॉस करने में कितना टाइम लगा था। तो बहुत सारे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है, मुझे 3 मंथ्स लगे थे 16 kg वेट लॉस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर का, भूत पे विश्वास रखती हो आप, मेरा नाम फिजा है आपकी वीडियो में, मेरा नाम लोना, फिजा मैंने आपका नाम ले लिया, भूत पे विश्वास, तो हाँ मैं रखती हूँ भूत पे विश्वास, मुझे बहुत एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी होती है, मेरी भी बहुत ज़्यादा फटती है भूत से, जबकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने ऐसी कोई एनर्जी एक्सपीरियंस नहीं की है, लेकिन मेरा विश्वास ये है कि अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी है तो वहीं पर नेगेटिव एनर्जी भी होगी, एंड जहाँ हमारा कोई ग्रुप डिस्कशन होता है ना, कोई लोग बताते हैं कि भूत का मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड एंड सबसे ज़्यादा अलर्ट रहती है ये जानने के लिए क्या स्टोरी थी, एंड मेरे को लगता है ना कि सच में ऐसा होता है, सच में ऐसा था, यूट्यूब में मैं सर्च करती हूँ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ब्ला ब्ला ब्ला, तो हाँ मैं हूँ थोड़ी सी सुपरस्टिशियस टाइप, मुझे बहुत मजा आता है, दो मैंने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया, अगर आपने भी कुछ एक्सपीरियंस किया हो तो कमेंट में मुझे प्लीज स्टोरी बताना, मुझे बहुत मजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशी का, इनका क्वेश्चन है टेल अस अबाउट योर यूट्यूब जर्नी, फ्रॉम वेयर यू गॉट द आइडिया टू स्टार्ट योर चैनल, एंड हाउ यू शूट योर वीडियो। तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने ये आइडिया मुझे कहाँ से मिला, लेकिन अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू शूट योर वीडियो, वीडियो में कैसे शूट करती हूँ, नॉर्मल मैंने जो कैमरा खरीदा हुआ है उससे शूट करती हूँ जो आप लोगों को पता है, और ये सब कैमरा भी मैंने आप लोग के सपोर्ट से ही खरीदा है गाइज, और दूसरा चीज़ हमारा अपना स्टूडियो अभी तक नहीं है, हमारा स्टूडियो नहीं बना है, तो मैं ये जो सारे वीडियो जो आप लोग देखते हो ना, मैं अपने दोस्त के घर आके करती हूँ, और ट्रस्ट मी गाइज आप लोग विश्वास नहीं करोगे, डेढ़ साल से ज़्यादा हो चुका है हम लोग रोज़ अपने फ्रेंड के घर आते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो अगर आप लोग भी वीडियोज़ देख रहे हो तो दिल से शुक्रिया, आंचल नाम है उसका, आंचल थैंक यू सो मच कि इतनी ज़्यादा सपोर्ट, इतनी अच्छी दोस्त भाई दुनिया में नहीं मिलती होगी, मुझे मिली है, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जब हम लोग उसके घर वीडियो बनाते आते हैं सब कोई शांत हो जाता है, हम लोग आराम से वीडियोज़ बनाते हैं, ऐसा लगता है कि ये फैमिली ही है, तो इट्स काइंड ऑफ फैमिली, तो उनके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, होप कि हमारे स्टूडियो बहुत जल्द बने, एंड फिर हम लोग अच्छे से स्टूडियो में भी वीडियो बना सके, लेकिन अभी तक हमें बहुत सपोर्ट मिला है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधु का, हाउ मच टाइम डू यू टेक आउट फॉर अ वर्क इन अ डे। आई गेस आपका वर्क से मतलब है हमारा ये जो YouTube वीडियोस हम लोग बनाते हैं उसके लिए। तो पहले बात तो मैं इसको एज अ काम नहीं लेती हूँ, ये मेरा लाइफस्टाइल है जो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो अगर मैं रूटीन की बात की जाओ तो मैंने जैसे आपको बताया सुबह उठ के अपने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करवाती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करके जिम चली जाती हूँ, जिम के बाद आने के बाद फिर हम लोग वीडियोज़ बनाने आते हैं अपने दोस्त के घर जैसे मैंने आपको बताया, फिर हम लोग वीडियोज़ बनाने में हमें 3 से 4 घंटे कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं, कभी 3 घंटे भी लग जाते हैं, फिर शाम हो जाता है, फिर हम लोग वापस जाते हैं, फिर में खाना खाते हैं, फिर ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, फिर रात में फ्री होके फिर स्क्रिप्टिंग वाला वर्क करते हैं, अगर कुछ नेक्स्ट वीडियोस बनाना है रोस्टिंग का बनाना है तो उसका स्क्रिप्टिंग करते हैं, एंड भास्कर क्या करता है उतने टाइम में वीडियो को अच्छे से एडिट करता है कि नेक्स्ट डे वो अच्छे से अपलोड हो सके, एंड फिर वीडियो अपलोड होता है, फिर आप लोग उसको देखते हो एंड बहुत सारा प्यार देते हो और बहुत सारे व्यूज आते हैं, एंड आप लोग का लाइक कमेंट शेयर देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बूस्ट होते हैं कि हम लोग और अच्छा कंटेंट लेके आ सके, एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे चैनल पर जब व्यूज़ नहीं आते वीडियो का, हमें लगता है कि इससे व्यूज़ आएंगे,
इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है तो बुरा भी बहुत लगता है गाइज, ट्रस्ट मी, वो जो फीलिंग होती है वो बहुत गंदी होती है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेरे वीडियोज़ को शेयर किया करो, ताकि हमें अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स मिले और हमें अच्छे लगे कि हम लोग इतना ज़्यादा जो मेहनत की, जो बैकग्राउंड मेहनत होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड जब वो आप लोग के सामने प्रेजेंट होने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो वो लगता है कि हमें, हमने जो किया वो चीज़ पूरा हो गया, तो वो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशा राजपूत का, इनका क्वेश्चन है आपके 12th में कितने परसेंटेज आए। क्यों पूछा ये क्वेश्चन यार, लास्ट Q&A में किसी ने मुझे 10th का परसेंटेज पूछा था, जो मेरा 9.6 CGPA था, वो मैं फ्रंट करके बोलती हूँ, लेकिन उन्होंने 12th का नहीं पूछा था, मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अब मैं 12th में भी पकड़ा चुकी हूँ, तो कोई बात नहीं, फैमिली ये चलता है, बस ये अपने में रहना चाहिए, किसी को बताना मत। 12th में मेरा PCB था, मेरा आया था 75% अप्रॉक्स, 75-78 के अप्रॉक्स में आया था, बहुत ज़्यादा नहीं आया था। यही बोलते हैं ना कि 10th जो होता है वो होता है सपने दिखाती है, जो 12th होता है वो औकात दिखाती है, तो मुझे मेरा औकात पता चल गया, डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे, लेकिन फिर अभी तो पढ़ाई कंटिन्यूड है, होप सो और अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द आर्ट ऑफ लाइफ ने मुझे इंस्टाग्राम से पूछा है, व्हाट्स योर फ्यूचर ड्रीम, इफ एनीवन आस्क्स यू हु आर यू देन हाउ विल यू रिस्पॉन्ड और रिएक्ट। तो इनका क्वेश्चन बहुत प्यारा है, पहला तो फ्यूचर ड्रीम के बारे में उन्होंने पूछा है, तो बहुत सारे सपने हैं गाइज जो मैंने सोच के रखा हुआ है, बस वो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहती हूँ, जैसे जैसे पूरा होगा गाइज वैसे वैसे आप लोगों को पता चलते जाएगा। सिल्वर पी बटन हमारा एक सपना हुआ करता था, जो आज पूरा हो चुका है, जो आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। ऐसे गाइज बहुत सारे छोटे छोटे सपने हैं, जो पूरे होंगे तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी, अभी मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, तो इसलिए अभी शेयर नहीं करना चाहती हूँ। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, बस होप करती हूँ, फिंगर क्रॉस, कि सारे सपने हमारे पूरे हो, हमारे फिटनेस जर्नी फैमिली की हम लोग अच्छे से ग्रो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट डू यू लीव, वेयर डू यू लिव सॉरी। तो आई एम फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी, ये झारखंड में एक सिटी है जहाँ मैं रहती हूँ, बहुत सारे लोग जानते होंगे जो झारखंड से होंगे, जो लोग नहीं जानते वो लोग कभी आइए यार झारखंड, मिलते हैं बोकारो में, एक मीटअप रखते हैं बड़ा वाला, बहुत मज़ा आएगा। अब तो लग रहा है कि फैमिली बड़ी हो रही है, तो लगता है कि एक मीटअप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आप लोग बताना कमेंट में कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, मैं ज़रूर करना चाहूँगी आप लोग सबसे, वर्चुअली तो मिल चुके हैं हम लोग, एंड रियल में भी मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिया भाटिया का, हाउ मच टाइम डू यू टुक टू गेट दिस फिट बॉडी। फिट बॉडी मैं नहीं कहूँगी, अभी मेरे को वो फिट बॉडी मिला नहीं है जिसका मुझे ड्रीम है, जिसके लिए मैं वर्क कर रही हूँ, लेकिन हाँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया है। इसके लिए मुझे क्या लगे थे, कितने टाइम लगे थे, तो पहले तो मैंने अपने फैट लॉस जर्नी में थी, तो वहाँ मुझे 3 महीना लग गया था, उसके बाद फिर 2-3 महीने मैं घर पर ही थी, फिर जिम स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फिर जिम ज्वाइन किया, फिर अभी 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है जिम के, तो अभी मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। अब पहले से थोड़ा तो मस्कुलर हो चुकी हूँ क्योंकि पावर लिफ्टिंग किया है यार, तो आई होप कि धीरे धीरे और फिट होते जाओ और वो ड्रीम बॉडी जो सबकी होती है, मेरी भी कुछ है, तो वो मेरे जब अकम्प्लिश कर लूँगी तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मुझे कितना टाइम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंदन का, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? है बॉयफ्रेंड मेरा, एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड है जो मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है, बस जब उससे शादी होगी तब बताऊँगी। कैसा लगा मेरा मजाक? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। मधु का क्वेश्चन है आप किससे इंस्पायर हुए हो? तो इंस्पिरेशन बहुत सारे है गाइज, जो जिनसे भी आपको कुछ सीखने को मिलता है उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो। आई गेस हमारे सराउंडिंग में जितने लोग हैं ना, सब लोग हमको कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं, जिससे हमें कहीं ना कहीं कुछ को सीखने को मिलता है। लेकिन पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मेरे लिए सबसे 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 बड़ी वाली इंस्पिरेशन मेरी मम्मी है, मेरी माँ है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, सबसे पहला तो कि माई फादर इज़ नो मोर, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो वो एक्सपायर कर गए थे 2001 में, जब मैं एक या दो साल की होंगी, और उसके बाद से मम्मी पूरे फैमिली को संभाल के रखी है, भैया दीदी और हम सबको आज बड़े हो चुके हैं, एंड सबको आज कुछ कुछ कर रहे हैं, मतलब सब अपने लाइफ में सेटल्ड है। मैं भी आई गेस कुछ ना कुछ कर रही हूँ, यूट्यूब कर रही हूँ, कुछ हद तक सेटल हूँ, मम्मी को सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन आज वो जब बैक फ्लैशबैक में जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी को बहुत कुछ की है, और मम्मी से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सॉरी ये नहीं करना था मुझे, लेकिन पता है सच में कितना कुछ सीखने को मिलता है कि वन हैंडेडली एक वुमेन कैसे पूरे फैमिली को संभालती है। आई होप उसका अगर मैं 1% भी बन जाऊँ ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात होगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया में वो सब कुछ करूँ ना। एक सपना मेरा ये भी है कि मम्मी को वो सब कुछ, वो सब सपना पूरा करूँ जो मम्मी हम लोग के लिए सेक्रीफाइस की थी। सॉरी गाइस थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, बट नाउ आई एम बैक
विद अ बैंग, लुक एट माय स्माइल। एंड आप सोच चुके ये फिर से क्यों लेके आ गए, तो आज इसका दिन है यार, तो इसको वीडियो में लाना तो बनता है। तो गाइस मैंने सभी के क्वेश्चंस के जवाब दे दिए जो कॉमन क्वेश्चन थे। बहुत सारे क्वेश्चन पिक नहीं कर पाई हूँ क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन का जवाब देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने एक चीज़ सोचा है कि हम लोग हर दिन संडे को एक Q&A रखेंगे, जो सारे कमेंट्स जो हम लोग रिप्लाई नहीं दे पाते उसका हम लोग संडे को एज अ क्वेश्चन टाइप से रखेंगे। अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ वीडियो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि आप सभी के क्वेश्चन पिक हो सके और हम लोग और अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। आई होप आपको आज का वीडियो देख के मजा आया होगा। और ये सिल्वर प्ले बटन जो आप लोगों के हेल्प से एंड सपोर्ट से मुझे मिला है, ऐसा और बहुत सारा गोल्डन एंड डायमंड बटन भी बहुत जल्द आ सके। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बड़ा वाला। एंड इसके प्ले बटन की तरफ से भी आप लोग सबको बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आई होप वीडियो देख के मजा आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर कर देना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब किए मेरा मत जाना, मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। एंड हाँ गाइस, एक और खुशखबरी है कि मैंने मौज में भी बना चुके हैं अपने आईडी, जो कि 11K फॉलोवर्स हो चुके हैं, तो वहाँ भी मुझे बहुत बड़ा वाला सपोर्ट दो। लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी और जाके वहाँ भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ लव।